बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मौजू है वो मैंने कमेंट सेक्शन में से उठाया है। एक साहब ने उसमें ज़िक्र किया था कि आप ट्रैफिक पुलिस या पुलिस के मौजू पर बात करें, उनके अख्तियारात पर बात करें। तो उसमें से मैंने आज का मौजू जो है पंजाब ट्रैफिक पुलिस पे बात करना चाहूँगी, क्योंकि ये सारे जो मौजू हैं ये बहुत लेंथी हैं, लेकिन मैं सबसे पहले ओवरव्यूज़ देना चाहती हूँ कि इनकी हायरार्की क्या है और इनके अख्तियारात क्या हैं। पंजाब ट्रैफिक पुलिस जो कि रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला और फैसलाबाद, इसमें आपको वो नज़र आएंगे ब्लूइश और ग्रे वर्दी में। उनको कहा जाता है ट्रैफिक वार्डन सर्विस। उसके अलावा जो बाकी जो 31 जो आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें वो वाइट शर्ट्स विद ब्लू ट्राउजर्स में आपको वो लोग नज़र आएंगे। अब इनका जो सुपरवाइज़र है, जो इनके ऊपर है, उनको कहा जाता है CTO। इनको कहते हैं चीफ ट्रैफिक ऑफिसर। अब इनके अब इस हायरार्की को अब जब देखा जाए तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि इनके ऊपर कौन सुपरवाइज इनको करता है, ताकि आपको पता चल सके कि किस वक्त आपने किसको जो है रजू करना है। CTO जो है इंचार्ज होता है ट्रैफिक पुलिस जो है जो डिस्ट्रिक्ट्स का है, और ये आता है अंडर डिफरेंट उसी डिस्ट्रिक्ट के अंडर डिफरेंट CPOs में। लेकिन लाहौर में ये है कि लाहौर में ये लोग आते हैं CCPO के अंडर, ये उनके अंडर काम करते हैं। उनका हेड जो है CCPO होता है, और जो बाकी है रावलपिंडी और फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरांवाला, ये जो है ये CTOs जो है ये CPOs के अंडर हैं। अब जो पंजाब के बाकी 9 रीजन हैं उनका जो सरबराह है वो SP रीजन कहलाता है। अब SP रीजन जो है इनके नीचे जो काम करते हैं वो ASP DSP काम करते हैं, वो हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद होते हैं। वो आंसरेबल हैं SP रीजन को, और SP रीजन जो है आंसरेबल है DPO को। DPO कंट्रोल करता है इनका नीचे सारा स्ट्रक्चर, इनका ऑपरेशन, इनका ऑपरेशनल व्यू, मतलब क्या हो रहा है, क्या प्रोसीजर चल रहा है, किसकी तैनाती काम पे क्या हो रहा है, और वो जो है DPO इनका ऑल इन ऑल उसके ऊपर होता है। अब जब आप उनसे ऊपर जाएँ, जब आप बात करते हैं DIG ट्रैफिक पुलिस जो पंजाब ट्रैफिक पुलिस के हैं, अब वो किसके अंडर आते हैं? वो आते हैं एडिशनल IGP, जिनका हेडक्वार्टर जो है ये है कुर्बान लाइंस लाहौर में। ये इनका ओवरऑल स्ट्रक्चर है, जो इनका मतलब जो मेन जो बंदा है जो मेन हायरार्की में सबसे टॉप पे पंजाब ट्रैफिक पुलिस में, वो एडिशनल IGP है जो लाहौर में उसकी सिटिंग है। अब आप बात करें कि इनका कहाँ पे इनका ऑपरेशंस हैं, या फिर कहाँ पे पंजाब ट्रैफिक पुलिस वाले पाए जाएंगे, इनसे कैसे हेल्प ली जाए, वह सारा कुछ। इसमें 12 हाईवेज़ हैं पंजाब के, वो जो अंडर सुपरविजन हैं ये IGP के। वहाँ पे इनको कहा जाता है हाईवे पेट्रोल। हाईवे पेट्रोल की जो इनकी जो नफरी है वो उन्हीं हाईवेज़ पे काम करती है जो कि इनको IGP ने इनको हुक्म दिया हुआ है कि आपने यहाँ पे तैनात होना है। उसके बाद आ जाती है मोटरवे पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस है वो N5 है, और जो दूसरे NH नेशनल हाईवेज़ हैं वो स्टार्ट होते हैं अटक से लेके सादकाबाद तक। ये लोग वहाँ पे तैनात होते हैं, और ये पंजाब का जो ओवरऑल जो है ये उसकी मैं बात कर रही हूँ, पंजाब से बाहर की नहीं। अब आप लोग कहेंगे कि अब इन लोगों का क्या अख्तियारात हैं, ये क्या इनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, वो मैं आपको अब एक एक करके मैं उसको वाजिया करती हूँ। ट्रैफिक इन्फोर्समेंट जो ये जो है एजेंसीज हैं, ये इनका सबसे पहले काम ये है कि एक तो ट्रैफिक की रेगुलेशन को ठीक रखा जाए, ट्रैफिक ख़राब ना हो, और रोड एक्सीडेंट्स जो हादसात हैं उनसे कैसे बचा जाए, और कहाँ पे सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ पे नफरी भी इनकी अच्छी तादाद में मौजूद होगी।
दूसरा ये कि सारी सड़कों के जो हवाले से कोई भी इनको कंप्लेंट्स आती हैं वो इन ये उनके इनका अख्तियार है कि उससे रिलेटेड कंप्लेंट्स जो हैं ये उसको उसकी दादरसी करते हैं। ट्रैफिक पुलिस जो है वो जो डिफरेंट आगही जो इनकी मुहिम होती है ट्रैफिक उसमें भी ये दर आगे आगे होते हैं, पेश पेश होते हैं, उसमें इन्होंने आम आवाम में इसकी आगाही भी फैलानी होती है कि ट्रैफिक रूल्स क्या हैं, रोड रूल्स क्या हैं, ड्राइविंग रूल्स क्या हैं और इसकी सेफ्टी कैसे की जाए। आप डिफरेंट एक्सपोज पे जाएंगे, इनके स्टॉल्स लगे होंगे और आपको उधर से इनकी मालूमात और इनके नंबर्स वगैरह बड़े फ्रीली मिल जाएंगे, जैसे कि जो जो इनका नेशनल हाईवे है या मोटरवे है उसका एक नंबर है 130, उस पर आप कॉल करें तो आपकी इवन गाड़ी ख़राब भी है तो ये वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो इनका ओवरऑल निज़ाम भी बड़ा अच्छा चल रहा है। दूसरा ये कि अगर कोई वहाँ पे हादसा का विक्टिम है तो ये भी वहाँ पे फौरी तौर पे पहुँच जाएंगे, उससे रिलेटेड एम्बुलेंस की सहूलत और ये चीज़ें वो वहाँ पे जो है फौरी तौर पे भेज देंगे, ये इनके इख्तियारात पे है। अब जब क्राइम्स की बात करें तो वो भी जो हाईवेज पे, मोटरवेज पे और जो नेशनल हाईवेज हैं और डिफरेंट जो इनके जो सर्कल में जो आती हैं मेन रोड्स जो हैं वो भी उसके दादरसी के लिए वहाँ पे पहुँचेंगे। तो ये इनकी जो है इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, इवन के एजुकेशन आम आवाम में पहुँचाना और ये सारी इनके अख्तियारात में मौजूद हैं, यहाँ तक कि लाइसेंसिंग की भी मालूमात आप इनसे ले सकते हैं और ये लोग आपको लाइसेंस भी जो है इशू करते हैं, बाकायदा जिसका टेस्ट होता है, बाकायदा का हेल्थ टेस्ट होता है सारा, और लाइसेंस भी ट्रैफिक पुलिस वाले ही आपको इशू करते हैं। तो आज का मौजू सिर्फ इतना था, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नए मौजू के साथ हाजिर होंगी।